प्रेमिका पर युवक की हत्या का आरोप, पैसे के लेन देन में घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने शव को किया बरामद। शिवपुरी की कोतवाली क्षेत्र के पिपरसमा रोड अंडरब्रिज के करीब मुर्गा फार्म के पास कच्ची सड़क पर एक शव पुलिस ने बरामद किया है। युवक की हत्या चाकू मारकर की गई है। कोतवाली पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतक की पहचान रातौर गाँव के रहने वाले 40 वर्षीय वासुदेव धाकड़ के रूप में की है। मृतक वासुदेव धाकड़ शनिवार से लापता था। रातौर गाँव के रहने वाले अनिल धाकड़ ने बताया कि उसके चाचा वासुदेव धाकड़ की शादी नहीं हुई थी। उन्होंने देहरवारा गांव के रहने वाली एक युवती ने अपने प्रेम चाल में फंसा रखा था। उसके चाचा वासुदेव ने ट्रैक्टर बेचकर युवती को 5 से 6 लाख रुपए उधार दे रखे थे। शनिवार को उसका चाचा वासुदेव उसके युवती से पैसे लेने गया हुआ था। मृतक वासुदेव धाकड़ के भतीजे अनिल धाकड़ ने अपने चाचा की प्रेमिका पर हत्या करवाने के आरोप लगाए हैं। अनिल धाकड़ का कहना है कि चाचा रात में चाचा से फोन पर बात हुई थी। उसके चाचा ने फोन पर बताया कि वह अपनी प्रेमिका से पैसे लेने आया है और उसी के साथ शराब पी रहा है। अगर पैसे नहीं मिले और उसका कोई सुराग ना लगे तो समझ लेना उसकी हत्या उसकी प्रेमिका ने करवा दी है। इसके बाद आज दोपहर में चाचा के शव मिलने की सूचना मिली। बता दें कि जिस युवती के साथ मृतक के संबंध थे उसकी 26 साल बताई जा रही है। बताया गया है कि युवती की शादी भी नहीं हुई है। कोतवाली प्रभारी रोहित दुबे का कहना है कि शव को बरामद कर लिया है। पुलिस की हत्या का मामला दर्ज कर रही है। क्या नाम है आपका? अनिल। पूरा नाम? अनिल धाकड़। कहाँ के रहने वाले? रातौर। ये कौन थे आप? चाचा जी। चाचा जी, क्या नाम था चाचा का? वासुदेव धाकड़। क्या घटना हो गई इनके साथ? खून हो गया। मर्डर हो गया? मर्डर हो गया। कैसे? क्या चाकू से? नहीं, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? हमें तो अभी सुबह अभी फोन लगाया। मैं संजय को बात हुई थी मेरी। तो कोई लड़ाई वड़ाई? लड़ाई तो किसी से नहीं थी, एक लड़की से चक्कर था। लड़की से चक्कर था? कहाँ की है वो लड़की? देहरवारी की। देहरवारी की। इन्हें शादीशुदा नहीं है? शादीशुदा नहीं है। ये कुंवारे थे? कुंवारे थे। अच्छा, तो उनके परिजनों ने मारा है? क्या नहीं सकते, लड़की नहीं, 9 बजे बोला था, 9:40 पे बात हुई थी कि दर अगर मैं इससे पहल का चक्कर चल रहा था लड़की का, लड़की से क्या दारू के चक्कर, दारू के बाद ही उसको पैसे लेने जाना था, पैसा थे उस पर कुछ। कितने? होंगे का 5-6 लाख रुपए। अच्छा, उसने कहा ट्रैक्टर में सब बिछवा दिया हमारा। अच्छा, और क्या? तो जी पैसे लेने गए थे? पैसे लेने गए थे। फिर क्या हुआ? 9:40 से बात हुई थी जब बोल रहे थे मैं इस राम भाई से पैसे लेने जा रहा हूँ मैं। हाँ। अगर उसने अगर आज पैसे ले के लौटूंगा मैं, अगर इसने पैसे नहीं दिए तो जो मान लो उसने मेरा ही मर्डर करवाया है, मेरे मर्डर करने की वो है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी। अच्छा। बात हुई थी ये वाली। अच्छा, तो ये कल रात से गायब थी? हाँ, कल रात से। फिर आपने ढूंढना उचित समझा था इनको? नहीं, शाम को आना है, 9-10 बजे तक आ जाते थे, पर नहीं आए 9-10 बजे तक। मैं 9:40 पे बात हुई थी तो बोले थे मैं आज मेरे को देखने मत आना। पर मालूम कैसे पड़ा? कई बार रुक जाते थे वो, रुक जाते कहते हैं। मालूम कैसे पड़ा कि इनका खून हो गया? वो तो घर में गए, घर में आदमी गए थे उधर। किस जगह पे हुआ है? कौन सी जगह? मुर्गी फार्म पे रातौर। बड़ौदी के मुर्गी फार्म पे। बड़ौदी के? अकेले ही थे? हाँ, अकेले ही थे। उम्र 40 वर्ष? हाँ, 40 तो होगी, 40 से ऊपर ही होगी।